मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब से शो अनुपमा शुरू हुआ है तभी से ये सीरियल लोगों का पसंदीदा शो बन चुका है। मेकर्स इस शो में रोज कुछ नया तड़का लगाते हुए नजर आते हैं। पहले सीरियल में वनराज की असलियत रिवील हुई, फिर तलाक का ड्रामा और अब वनराज की अनुपमा को धमकी और आने वाले एपिसोड में अनुपमा और काव्या के बीच भिड़ंत। जी हाँ, दरअसल बीते दिनों अनुपमा में दिखाया गया था कि वनराज अपने घर अपना सामान लेने वापस आते हैं और अनुपमा को धमकी देते हैं कि वो एक एक करके उससे उसका सब कुछ छीन लेंगे। वहीं दूसरी तरफ काव्या वनराज से वापस घर जाने को लेकर उससे लड़ाई करती है, जिसके बाद वनराज काव्या को मनाते हैं और इस गलती के लिए उनसे माफ़ी भी मांगते हैं। वहीं अब आगे आने वाले एपिसोड की शुरुआत काव्या से होती है, जो पार्क में किसी लड़के से बात करती है और तभी वनराज काव्या को देख लेते हैं और उसके बाद काव्या को खूब खरी खोटी सुनाते हैं और जिस पर काव्या वनराज को चेतावनी देते हुए कहती है कि वो उसे अनुपमा समझने की गलती ना करे। तो दोनों के इस मामले पर खूब बहस होती है और बाद में काव्या और वनराज दोनों ही लड़ाई को खत्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपने घर का खर्च कैसे चलाना है इसे लेकर काफ़ी परेशान होती है और तभी अनुपमा की बेटी पाखी कहती है कि वो कुछ कोर्स करना चाहती है जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है और इसलिए उसने पापा से बोलकर अकाउंट में पैसे भेजने को बोल दिए हैं और तभी बाबूजी उसे कहते हैं कि उसे एक बार अपनी माँ से ज़रूर पूछ लेना चाहिए था। पाखी जवाब देते हुए कहती है कि माँ के पास इतने पैसे नहीं और इसलिए उसने पापा से पैसे ले लिए। इधर वनराज पाखी को पैसे भेज रहा होता है कि तभी काव्या उसे देख लेती है और उसे लगता है कि वो अनुपमा को पैसे भेज रहा है। बस इसके बाद अब काव्या शो में जो करने वाली है वो यकीनन सीरियल में धमाल लेकर आएगा। दरअसल वनराज को लेकर काव्या शाह हाउस में पहुंचेगी और अनुपमा को नसीहत देती हुई नजर आएगी कि वो उसके और वनराज के बीच में ना आए। काव्या शो में अनुपमा को कहते हुए दिखाई देगी कि वनराज अब उसके पास आ चुका है और उस पर हक जताना बंद कर दे। तुम वनराज को वापस पाने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रही हो। तो काव्या की ये सारी बातें बात सुन लेती है और आखिरकार काव्या को वो खूब डांटती है। लेकिन इस पर अनुपमा काव्या को क्या कहेंगी ये देखना ज्यादा दिलचस्प होगा।